బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. కాన్స్టిట్యూషన్, ది వాన్గార్డ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ యు ఎ బిట్ ఆఫ్ బ్యాక్ స్టోరీ, ఎ బిట్ ఆఫ్ హిస్టరీ. బ్యాక్ ఇన్ 1967, ది ఫస్ట్ జెంటిల్మెన్ హూ వన్ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ in Haryana assembly, his name was Gayalal. He was the first person in India to have defected after winning on as an independent MLA. He had defected to Congress party within a few days after the election. That's when the whole name Ayaram Gayaram culture, wo Gayalal ji ke naam se hi Gayaram aaya. Fir Gayaram jab teesri baar teen baar idhar udhar badle to Ayaram Gayaram ka culture हिंदुस्तान में अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो वो थी कांग्रेस पार्टी 1967 टू बी प्रिसाइज. उसके बाद सेम कांग्रेस पार्टी जब उनके साथ उनके एमएलए को किसी और ने छीना 1985 में, सेम कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैड इंट्रोड्यूस्ड व्हाट इज कॉल्ड एज द एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस भी कांग्रेस नहीं किया, आयाराम गयाराम कल्चर को भी इंट्रोड्यूस कांग्रेस नहीं किया इस देश में. और आज मैं आपको दो चार चीज दिखाना चाहता हूं. तेलंगाना के बारे में आपको एक दो चीज मैं दिखाना भी चाहता हूं और उसके बारे में बात करना चाहता हूं. कांग्रेस पार्टी को काफी मौका दिया तेलंगाना की जनता ने, आंध्र प्रदेश की जनता ने 2014 से पहले. करीब करीब 50 साल, 50 plus years, 55 to be precise, they have been given an opportunity to run the government in Andhra Pradesh, erstwhile Andhra Pradesh, almost 9 times. Aur bahut matlab na insafi ke baad, bahut anyay ke baad, Congress party ki gaddari ke baad, Telangana ki janta ne andolan path liya. Ultimately 2014 mein Telangana banana hi pada Congress party ko, tab jaake Telangana bana. और पिछले 10 साल श्री के चंद्रशेखर राव जी के लीडरशिप में हमारी पार्टी ने तेलंगाना में सरकार हुकूमत चलाई, सरकार चलाई. और जो हाल ही में इलेक्शन हुआ 2023 में नवंबर में, हमारी हार बहुत कम वोटों से, केवल 4 लाख वोटों की फर्क से हम हार गए और कांग्रेस सत्ता में आई. और कांग्रेस सत्ता में यूं ही नहीं आई, कांग्रेस ने ऐसे ऐसे वादा किया तेलंगाना की जनता को, मैं दिखाना चाहता हूं. 6 गारंटी की बात की गई थी, 100 दिन में पूरे करेंगे 6 गारंटी राहुल जी के नाम पे. आज के जो मुख्यमंत्री हैं उनके दस्तक के साथ, उनके सिग्नेचर के साथ, आज के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके सिग्नेचर के साथ, राहुल जी, सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के तस्वीरों के साथ वादा किया गया था कि 100 दिन में हर कोई वादा जो 6 गारंटी अमल करेंगे, महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, इंदिरम्मा मकान, चेयूता, गृह ज्योति, युवा विकास, हम इसके तहत उन्होंने कहा कि हर गरीब मकान में 2,50,000 रुपया एक सालीना आपके पास हम देंगे. एक ईस्टमन कलर वाली जबरदस्त सिनेमा दिखाया कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता को. और बहुत कुछ कहा उन्होंने, ना सिर्फ ये बल्कि बहुत कुछ कहा, वादा किया तेलंगाना की युवाओं से कि आपको 2 लाख नौकरियां मिलेंगी पहले ही साल में. स्वयं राहुल गांधी आए हैदराबाद, वहां की युवा से मिले, उनको आश्वासन दिया कि 2 लाख रोजगार, 2 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट विल बी कंप्लीटेड विद इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट. उन्होंने ये भी वादा किया कि एक जॉब कैलेंडर रिलीज करेंगे, डेट के सहित आपको हम जॉब कैलेंडर देंगे और एक साल में 2 लाख गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कंप्लीट करेंगे. वादा तो यह भी किया गया था, जैसे ही कांग्रेस आती है पहले ही दिन जो खेती के लोन होते हैं, क्रॉप लोन, 2 लाख तक का पूरा विद वन पेन स्ट्रोक ऑन December 9, 2023 हम क्रॉप लोन भी वेव कर देंगे. साथ ही साथ बहुत कुछ कहा गया, बस मैं ये दो चार चीज आपके जहन में लाना चाहता हूं. 420, एक नहीं दो नहीं, 420 वादे किए गए कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना जनता को. आज 7 महीने पूरे हो गए कांग्रेस की हुकूमत बनके तेलंगाना में, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ. 6 गारंटी तो गायब हो गए, 6 गारंटी तो गायब हो गए,
अभी क्या हो रहा है तेलंगाना में, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। छह गारंटी भूल गई कांग्रेस, पर छह हमारे एमएलए ले गई, छह हमारी एमएलसी ले गई और एक राज्यसभा एमपी को भी ले गई। हमें इस बात से कोई खेद नहीं, बट अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है जो आदमी आज अपने आप को संविधान के रक्षक मानते हैं, जो आदमी अपने आप को संविधान के प्रतीक मानते हैं, वो जब संविधान को बेरहमी से एक्सप्लॉइट करते हैं और इसकी बेइज्जती करते हैं, तो इस बात को दिल्ली में बताना हर किसी को, इस देश की हर युवा को, इस देश के हर शख्स को बताना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम आज दिल्ली आ गए। भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, बार बार कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है इमोरल है, जब भी कोई एमएलए डिफेक्ट करता है कांग्रेस से बीजेपी में, तो कांग्रेस बार बार कहती है कि बीजेपी इमोरल पॉलिटिक्स प्ले करती है और ये गलत है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। ये देखिए, कांग्रेस गोवा में, स्वयं राहुल गांधी गए अप्रैल 2022 में और वहां जितने कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनसे शपथ दिलवाया। उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस के टिकट से लड़ेगा, जीतेगा तो कांग्रेस में ही रहेगा। ये शपथ स्वयं राहुल गांधी ने दिलवाया था 2022 में। और कर्नाटक में जहां उनकी गवर्नमेंट है, वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि एक एक